पिछले साल अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले और उसकी जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के हमले के 6 महीने पूरे हो गए हैं, मगर अब तक इसराइल को बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है। इस बीच जंग का अखाड़ा बने गाजा में इजरायली सैनिकों को भीषण पलटवार का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायली सेना पर हमले का ताजा वीडियो शेयर किया। इसमें इसराइल को चेतावनी देते हुए लिखा कि यू विल बर्न। इस वीडियो में गाजा में अलग अलग इलाकों में इजरायली बलों के खिलाफ भीषण बमबारी को दिखाया गया, जहां लड़ाके सटीक लक्ष्य भेद कर इजरायली बलों को अपना शिकार बना रहे हैं। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की मिलिट्री विंग अलकुज ब्रिगेड ने रॉकेट के जरिए एशकोल बस्ती परिसर और इजरायली बलों के कब्जे वाली गाजा बस्तियों पर गोलाबारी की है, जिसमें IDF को काफी नुकसान पहुंचा है। इजरायली मीडिया की ओर से भी पुष्टि की गई है कि गाजा के दक्षिण में खान यूनिस इलाके से रॉकेट लॉन्च हुए हैं। इसके बाद इजरायली सैनिक पीछे हट गए। वहीं अलकुज ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली क्वाडकॉप्टर विमान को भी मार गिराने का दावा किया है। इतना ही नहीं, लड़ाकों ने गाजा शहर के ऊपर उड़ रहे एक स्काईलार्क ड्रोन को पकड़ लेने का भी दावा किया है। इसके अलावा अलकुज ब्रिगेड की स्नाइपर यूनिट ने गाजा के दक्षिण पश्चिम में शेख अजलीन इलाके में इजरायली सैनिकों की गोली मार कर हत्या करने का भी सनसनीखेज दावा किया है। माना जा रहा है कि हमास और उसके सहयोगी चरमपंथी संगठनों की एकजुटता इजरायली सैन्य बलों पर कहर बनकर टूट रही है। अलकुज ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा के अशदोद, अश्कलोन और गाजा की बस्तियों की ओर रॉकेट लॉन्च का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें लड़ाके लंबी दूरी के रॉकेट्स को तैनात करते हुए देखे जा सकते हैं। रॉकेट लॉन्चरों के जरिए एक एक कर रॉकेट इजरायली बलों के कैंप की तरफ दागे गए। हमास के लड़ाके खंडर पड़ी इमारतों में अपने अड्डों से इसराइल के खिलाफ जवाबी हमले बोल रहे हैं। इस बीच फिलिस्तीनी अल मुजाहिदीन आंदोलन की मिलिट्री विंग अल मुजाहिदीन ब्रिगेड भी इजरायली बलों पर आसमान से आफत बनकर टूटी है। संगठन ने अपने दावे की पुष्टि करते हुए एक वीडियो भी जारी किया। इसमें उसके लड़ाके रीम बस्ती में इजरायली सेना के गाजा डिवीजन के मुख्यालय को निशाना बनाते हुए देखे गए। इसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि लड़ाकों ने रॉकेट अटैक की एक सीरीज इजरायली बलों के हेडक्वार्टर पर दागी है। वहीं डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन की मिलिट्री विंग उमर अल कासिम फोर्सेज ने भी खान यूनिस के उत्तर पूर्व में इजरायली सैन्य वाहनों पर कई मोर्टर गोले दागे। दावा किया जाता है कि इजरायली सेना जान बचाकर वहां से भाग खड़ी हुई। ब्रिगेड ने यह भी दावा किया कि अल कासिम और अलकुज ब्रिगेड ने साथ मिलकर गाजा में मोर्टर के गोलों के साथ इजरायली सेना पर हमलों की बौछार की है। फिलिस्तीन के समर्थन में इन गुटों की एकजुटता इजरायल पर हावी होती दिख रही है। लेटेस्ट तकनीक से लैस इन लड़ाकों के हथियारों से इजरायल को अपने गाजा ऑपरेशन में काफी जूझना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि इजरायली सेना हर गुजरते दिन के साथ गाजा के दलदल में फंसती चली जा रही है। ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि फिलिस्तीन के ये संगठन हमले के खतरनाक वीडियो जारी कर अपने हथियारों और हाईटेक सैन्य साजो सामान से लैस ट्रेन लड़ाकों की नुमाइश कर रहे हैं। बहरहाल फिलिस्तीनी लड़ाकों की ओर से मिल रहे कड़े पलटवार के बाद इसराइल चौतरफा मोर्चों पर घिरता नजर आ रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसराइल अलग थलग पड़ता दिख रहा है।